हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और लेकर हाजिर हूं बिग बॉस में आने वाले एपिसोड्स का सारा अपडेट। भाई घर में तो धमासान मचा हुआ है, धक्का मुक्की, झगड़े और ये सब हो रहा है घर में बढ़ते टेंशन को लेकर। तो आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे निक्की तंबोली और रुबीना दिलैक के बीच होगा झगड़ा। झगड़ा किस लिए कि घर में जो जो जरूरी चीजों के ऊपर जो बवाल मचा हुआ है उसी को चलते। अब निकी तंबोली तो घर में ऑलरेडी सुरक्षित है, उनके पास इम्यूनिटी है, लेकिन टू बी कंफर्म घर वालों में बाकी है। लेकिन ये बात रुबीना को नाक बार गुजरेगी। भाई वो खुद को लगता है निकी तंबोली सीनियर मानने लगी है और घर में जब भी झगड़ा होता है तो निकी हमेशा आगे रहती है और इस बार रुबीना और निकी के बीच में थनेगी। लेकिन इसी के साथ एक एक खास टास्क होगा, बॉल वाला टास्क, जहाँ पर काफी कुछ घमासान होने वाला है। तो इस टास्क की एक झलक मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर भी धक्का मुक्की होगी और टास्क में दो दो फ्रेशर्स के बीच बॉल्स को पकड़ने से गिरने के बाहर दे जाने के बाद बास्केट में इकट्ठा करना है। बजर बजने तक जिसकी बास्केट में सबसे ज्यादा बॉल होगी वो इस मुकाबले का विनर होगा। कुछ ऐसा है ये टास्क। तो बिग बॉस में घर वालों में अपने निजी सामान को पाने के लिए काफी मुशक्कत हो रही है और सभी कंटेस्टेंट्स को डेली सिर्फ सात ही चीजें मिलने की परमिशन है। अब ऐसे में घर में रोजाना हंगामा होता ही रहता है और इस बार भी बिग बॉस के फ्रेशर्स को एक अवसर देने वाले हैं। मतलब जो बिग बॉस के जो सीनियर्स हैं वो कुछ ऐसे ही इन्हें अवसर देने वाले हैं और जहां पर ये टास्क होगा। तो सामान पाने के बीच कंटेस्टेंट्स के बीच में ऐसी धक्का मुक्की आपको देखने की मिलेगी जैसे कि जैसे मुंबई के लोकल ट्रेनों में हुआ करती थी जब ट्रेनें चलती थी। तो इसके बाद कंटेस्टेंट्स की स्ट्रेटजी भी अजीब है, यानी इस बॉल को पाने के लिए वो हद हद तक जाने वाले हैं। वो ऐसा आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। वैसे इस हफ्ते 5 लोग नॉमिनेटेड हैं जिनमें सबसे वीक है जान कुमार सानू और उनके साथ हैं शहजाद देओल, क्योंकि जान और शहजाद चूंकि कंपैरेटिवली बाकी मुकाबले में न्यू कमर है इसलिए उनकी चांस है कि वो एविक्ट हो सकते हैं। क्योंकि बाकी जो कंटेस्टेंट्स जो नॉमिनेटेड है उसमें रुबीना है, उनके पति अभिनव हैं और इसके अलावा जैस्मिन वसीन हैं। अब ये तीनों ऑलरेडी टीवी स्टार्स हैं, इनकी फैन फॉलोइंग भी अच्छी है, तो ऐसे में शहजाद और जान कुमार जानू थोड़ा वीक पड़ते हैं। शहजाद फिर भी रियलिटी शोज में आए हैं, गेम ठीक ठाक खेल रहे हैं, लेकिन जितनी बड़ी बड़ी बातें वो करके आए थे उतना वो डिलीवर नहीं कर पाए। जान कुमार सानू भी दर्शकों के बीच में कोई खास जगह नहीं बना पाए। तो ऐसा लगता है कि इस बार जान कुमार सानू की और विदाई हो सकती है, लेकिन हो सकता है वो बच जाए और शायद शहजाद को जाना पड़े क्योंकि जो बाकी तीन है उनका जाना तो मुश्किल है। तो ऐसा है बिग बॉस का सारा तमाशा। तो कल फिर से हाजिर होऊंगा बिग बॉस का सारा मसाला, सारा अनदेखा मसाला आप और जो होती है चटपटी खबरें और जो न्यूज़ आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। स्टे ट्यून्ड।